दैट दिस यूज टू बी माई हाउस, दिस इज माई हाउस, लेकिन अब मैं जब भी यहाँ पे आया करूंगी तो मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट आया करूंगी। 10 दिन बाद मिलेंगे। So, यहाँ पे चल रही है कुलज्योति की मेहंदी। yes. और उसने मेरे को फ्री फंड का वीडियोग्राफर बना रखा है। yes. क्योंकि उसके खुद के वीडियोग्राफर्स को हमारी लोकेशन नहीं समझ आ रही है। ये देखिए आप, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोगों की ब्यूटीफुल मेहंदी लगती है। पैर इसका कितना भी गंदा हो, मेहंदी का डिजाइन बहुत प्यारा है। पापा आप ये मेरे डैड को क्यों पी रहे हो? पापा पापा प्रॉब्लम आ गया। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आपके पास बहुत तेज कुछ भी हो रही है, बहुत तेज कुछ भी हो रही है और मेरे से होएगी नहीं। अभी देख लो, चलते इनर कॉर्नर पे। हाँ हाँ, अरे ढंग से करो, अरे घुस जाए क्यों, अरे थोड़ा अंदर ही घुस जाओ ना, सुंदर लगनी चाहिए भैया। अब आप जैसे मर्जी लो, टायर टायर हटा दो, बिल्कुल दिखने ही नहीं चाहिए। सुसु की बात नहीं करेगा वो, पानी पंजा पानी रंग देख। सॉरी भैया, भैया हंसी खेलने का तो मौका है ये। मैंने सुना शादी के बाद तो कोई हंसता ही नहीं है, आपकी शादी हो गई है? ये देखो सामने बैठ के बकचोदी कर रही है। अच्छी बीवी होगी आपकी, तभी हंस रहे हो। हां कोई सखी भी नहीं वाली है, ओ हरियाली। साइड इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन की शादी, अपने आप ही गाने गा रही है, लड़की सखी है ही नहीं। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, बट फिर अभी मैंने अपना लहंगा ट्राई किया एंड मुझे लग ही रहा था दैट जो बुटीक वाली उसने उसमें जिप बहुत गंदी क्वालिटी की लगाई है। एंड मैंने उसको 4 बार बोला भी कि मुझे जिप सही नहीं लग रही, तो जिप भाई मेरे को दूसरी लगा कर दे। शी वाज लाइक नहीं 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 मैम, ऐसी ही होती है आप, मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ। एंड द मोमेंट आई ट्राइड द ब्लाउज उसका जिप टूट गया और अब मैं बैठी हुई हूँ और मेरा ही फंक्शन है और मैं तैयार नहीं हो पा रही क्योंकि ब्लाउज की जिप टूट गई है। और एंड मोमेंट अब मैंने ब्लाउज सही होने के लिए भेजा है। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लाइक मेरे को एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है और मैंने शादी का ब्लाउज भी यहीं से बनाया। मेरे को रोना आ रहा है लिटरली, क्योंकि यार मतलब शादी जैसी चीज के लिए लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लाइक आपके 10-20 रुपए आप बचा रहे हो और दूसरे की आप ऐसी तैसी कर रहे हो लिटरली। बहुत सारे टेस्ट हुए बहाने के बाद में फाइनली मेरा मूड थोड़ा बेटर हुआ है। दो जो मुझे पहनना था वो मैंने पहना नहीं है, वॉट आई वॉज सपोज टू वियर ऑन संगीत उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। बट फिर मुझे लगा कि फंक्शन ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू कपड़े, और ये वाले कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस मैंने खाम खा रोना धोना कुछ ज्यादा ही कर दिया आज के दिन। एमी बहन ने मेरा सुपर अमेजिंग मेकअप भी कर दिया। हाउ आर इट, थैंक यू फॉर मेकिंग माई मूड बेटर। हाउ आर यू? लगाओ मेरे को, वेली बैठी हो सारी की सारी, कोई मेरे को लगा ही नहीं डालती मेहंदी कुछ। मेहंदी लगा दी, मेहंदी फेस पे लगा दी मेहंदी। सो मेरा
मेरा सारा सामान हो चुका है पैक, एज यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ सूटकेस, ब्लैंकेट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, बट आई एम ऑल रेडी टू लीव द हाउस. सो अभी हम पूरी फैमिली साथ में बैठे हुए थे एंड द ओनली थॉट दैट वॉज गोइंग इन थ्रेड माई माइंड वॉज That this used to be my house. This is my house. लेकिन अब मैं जब भी यहाँ पे आया करूंगी तो मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट आया करूंगी. And that feeling is very weird. और मेरा ना थोड़ा नेचर ऐसा है, जब मेरे सामने कोई रोता है या फिर ऐसे घर में भी लोग रोते हैं तो मैं थोड़ा छुपाने की कोशिश करती हूँ, but it is what it is. And I don't know. मतलब I'm very happy that I'm getting married, but I'm very sad. And seeing my family cry one by one is making me even more sad. And I can't explain. But अब I don't think मैं कोई और रोना धोना मचाने वाली हूँ, because enough is enough हो चुका है. बस the only sad part is that I think that you're seeing this room for the last time in my vlogs. तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना नए वाले रूम में अब दिखाऊंगी शूट करके. हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग. आई एम गेटिंग मैरिड टुडे, और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं. आई एम गेटिंग मैरिड टुडे, सेम स्टेटमेंट 100 बार रिपीट करे जा रही हूँ जब से व्लॉग शुरू करा है. यस मॉम पहनने लगे हैं सॉक्स. आपकी बड़ी की शादी हो रही है, आपको फीलिंग कैसी आ रही है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोई नहीं पार्टी कर रही थी ना? ना मेरे को नींद आ रही थी ना मम्मी को नींद आ रही थी, हम दोनों बैठे बैठे ऐसा सिर्फ पलटे ही मारे जा रहे थे. पर कोई बात नहीं भाई, जिंदगी में जितनी कड़ाइयां चाटी है ना उसका आज फल मिल चुका है. बारिश आ रही है बाहर इतनी भयंकर, और ऐसे चिकन चाट चाट के खाओ कड़ाई में. बारिश रुकी नहीं, किचन में जाओ, नो कोली नो चम्मच सीधा, और चाटो चाटो. ये तो मैंने यहीं पे देखा, सच हो गया वैसे भाई, ये तो मैंने आज तक से सुना था. है ना, बिन मौसम बरसात हो रही है थोड़ा तो. ओके बाय बाय घर, 10 दिन बाद मिलेंगे. दूसरी औरतों से वार्तालाप नहीं करना है, चला गई. पंडितानी का ही फोन था, मैं उसके साथ उसने सुन लिया होगा. आपने क्या कहा कि भाई आजकल तो सब ग्लो वाले मिलते हैं, लेकिन उनका बड़ी है उनको माँ जैसी, छोटी है बहन बेटी जैसी, और बराबर की बहन जैसी, छोटी बेटी जैसी, बड़ी माँ जैसी, पत्नी रूप में यही आपके सामने है और कोई नहीं. पक्की बात है, बहुत साथ है दरबार की है, फिर सैर सपाटे जाना, साथ लेके जाना है. घूमते रहे बेचारा घर में बैठा रहे, अकेले नहीं जाना कहीं.
जाना पड़ेगा। अरे कैसे जाएगा, अपने पति ही परमेश्वर होता है। देखो कहीं मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं में जाओ, केवल पति की सेवा कर लो, वही सबसे अच्छा। घर में पति को, घर में पति को, घर में पति को चाय भी ना मिली, वहां जाकर जल चढ़ाओ या आरती करो या पाठ करो। शादी शुदा जिंदगी का पहला चीयर्स, भूख लगी थी एकदम पहले चम्मच में पता चल गया। भाई खाना देखो है, ये जवाई देखो जवाई है लेकिन थोड़ी इज्जत रख। और हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए तो जो भी है बहुत अच्छा। हमें हमने कुछ खाया भी नहीं है। मटर पे आना यार, बहुत टाइम का ठीक करो बेटा। या थोड़ा सा ना, मतलब एक्सक्यूज अस बिकॉज़ मटन काफी टेस्टी था। ओह माय गॉड, प्रेस प्रेस पापराजी आ जा जा चम्मच बड़ा अच्छा है, खा के देख ले तो क्या पुनीत को भेजो वीडियो फोटो भेज। सो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे करीब पहुँचूँ तो फिर मिस्टेक हो जाए। पंडित जी लड़के वालों की तरह से था, पंडित जी ने बदला निकाला तरह से है ना। मैंने जो पाप किए थे उनके साथ, अच्छा हम तो गांठ खोल रहे हैं। उन्होंने हमें एग्जांपल, हमने तो बोला बहुत टाइट लगा था, उन्होंने हमें एग्जांपल दिया था। वो देखो एरो के मैंने ढूंढनी, तूने ढूंढनी, दोनों ने ठीक है। ये तो दिख गया, ये तो वो है, ये तो डिकॉय डिकॉय, ये तो डिकॉय था। ढूंढो एक साथ डालो ना दोनों, पैसे का भी रख ले, तूने शादी के लिए लेस खाएगा पैसे का। अब तो डालिए आपने, अब तो डालिए आपने।
भाई दूसरी मेरी डाली भाई बेस्ट ऑफ फ्री है मैं तो आगे बंद कर नहीं एक दूसरे की आइज क्लोज कर लो चलो बाकी बेस्ट ऑफ हां क्या चल रहा है पता नहीं कुछ नहीं चलो डाल दी मैंने देख डाली नहीं है नहीं है जब डाली ही नहीं है तो अरे डालो यार पहले डाल दें चार पांच और अंगूठियां डाल दो फिर बताएगा बताएगा कौन कब बोलेंगे बाजी कम कर ले ये तो अनइंटेंशनली सही है भाई सही है सभी की जीत चली गई।